Hello everyone, welcome to LearningSTAN, learn to know and know to learn. इस सेशन में हम मैग्नेटिक सर्किट्स एंड फील्ड थ्योरी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए टॉप 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग जेई लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं. इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे. सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस सेशन और पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्वेश्चन नंबर 1. द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफॉर्मर डिजाइन. ऑप्शंस हैं रिड्यूसेस द वेट पर केवीए, इंक्रीजेस द वेट पर केवीए, हैज नो रिलेशन विद वेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड डी नन ऑफ दीज. पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मर में अगर हम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हाई रखते हैं तो उसका क्या यूज है. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया. और क्वेश्चन में कहा है कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी की वैल्यू को हाई रखते हैं तो इससे क्या होगा, एरिया विल बी रिड्यूस्ड यानी कि ट्रांसफॉर्मर के कोर का एरिया रिड्यूस हो जाएगा. एरिया के रिड्यूस होने से कोर मटेरियल भी कम यूज होगा और जो यहाँ पर वाइंडिंग यूज होगी उसका मीन टर्न भी कम होगा, तो कॉपर भी कम यूज होगा वाइंडिंग के लिए. देयरफॉर द वेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल बी रिड्यूस्ड. तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, रिड्यूसेस द वेट पर केवीए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. द करंट इन द सर्किट शोन बिलो इज 4 एम्पेयर. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन एम्पेयर टर्न्स पर मीटर इन द कोर. यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक मैग्नेटिक सर्किट गिवन है और इस करंट आई की वैल्यू 4 एम्पेयर गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स 50 और यहाँ पर जो डायमेंशंस गिवन है लेंथ और ब्रेथ, इसे आप ये वाला डायमेंशन कंसीडर करेंगे जो डॉटेड लाइंस में गिवन है. दिस लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज गिवन बाय एन आई अपॉन एल यानी कि एमएमएफ पर यूनिट लेंथ एंड दिस एल इज मीन लेंथ ऑफ द कोर. और ये कोर रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसका मीन लेंथ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो जो मीन लेंथ एल की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 × 19, 38 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ टर्न्स और करंट की वैल्यूज हमें गिवन है तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे. 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2, क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो फाइनली तो एच की वैल्यू हमें मिलेगी 526.31 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 526 एम्पेयर पर मीटर. तो यहाँ ऑप्शन सी 526 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. अ सोलेनॉइड हैज अ डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड इट कम्प्राइजेज ऑफ 7000 टर्न्स. कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन जूल इन द सोलेनॉइड इफ 10 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू इट. क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसे हम यहाँ नोट कर लेंगे. क्वेश्चन में गिवन है कि एक सोलेनॉइड है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, लेंथ 60 सेंटीमीटर है एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर 7000. और कहा गया है इस सोलेनॉइड से 10 एम्पेयर करंट को फ्लो करवाया जाएगा तो आपको स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. सो द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. तो यहाँ पर हमें एल की वैल्यू गिवन नहीं है, सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल. यहाँ पर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जिसकी वैल्यू 4π × 10⁻⁷ होती है. एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 7000. ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड विच इज पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर डायमीटर गिवन है 6 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर या फिर 0.03 मीटर. तो यहाँ पर हम इन सब की वैल्यूज पुट कर देंगे. लेंथ भी गिवन है 60 सेंटीमीटर और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो एल की वैल्यू हमें मिलेगी 0.29 हेनरी. और अब हमें यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. E इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. तो यहाँ पर हम L और I की वैल्यूज को पुट करेंगे तो स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू मिलेगी 14.5 जूल. ऑप्शन में ऑप्शन B में यहाँ गिवन है 14, तो हम
ऑप्शन बी को मार्क करेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. आउट ऑफ द 4 मटेरियल्स ए बी सी एंड डी विच हैव द लोएस्ट रिटेंटिविटी. यहाँ क्वेश्चन में हमें 4 मटेरियल्स के BH कर्व्स गिवन हैं और इन्हें देख के हमें ये बताना है कि इन चारों में से किसकी रिटेंटिविटी सबसे लोएस्ट है. तो यहाँ देखिए, दिस इज द BH कर्व ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल. एट दिस पॉइंट, पॉइंट बी, यहाँ पर H की वैल्यू तो 0 हो चुकी है, लेकिन स्टिल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर O B के बराबर है, यानी कि ये 0 नहीं होती. तो इसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी. रिटेंटिविटी इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हैज बिकम 0. और इस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को 0 करने के लिए हम मैग्नेटिक फोर्स को और ज्यादा घटाते हैं और नेगेटिव साइड लेके जाते हैं, तो एट पॉइंट सी बी की वैल्यू 0 हो जाती है. तो दिस वैल्यू ओ सी इज कॉल्ड कोरिसिविटी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ बी इज रिटेंटिविटी एंड ओ सी इज कोरिसिविटी. और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों मटेरियल्स में सबसे लोएस्ट रिटेंटिविटी किसकी है. तो आप यहाँ बी एक्सिस पर देखिए कि सबसे कम वैल्यू किसकी है. यहाँ पर डी की वैल्यू सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कॉइल हैविंग 200 टर्न्स इज 40 मिलीवेबर. कैलकुलेट द एवरेज ईएमएफ इन वोल्ट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिवर्स्ड इन टाइम ऑफ 5 मिलीसेकंड्स. क्वेश्चन में गिवन है कि एक कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं 200 और फ्लक्स लिंकेज विद दैट कॉइल इज 40 मिलीवेबर. और कहा गया है कि आफ्टर 5 मिलीसेकंड्स के बाद कॉइल के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स रिवर्स हो जाता है एंड इट बिकम्स -40 मिलीवेबर. तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एन डीफाई बाई डीटी. डीफाई इज द चेंज इन फ्लक्स, यानी कि 5-1 - 5-2, दिस विल बी 40 × 10⁻³ माइनस माइनस ऑफ 40 × 10⁻³, दैट इज 80 मिलीवेबर. नंबर ऑफ टर्न्स आर 200 और टाइम भी गिवन है मिलीसेकंड्स में, दैट इज 5. तो यहाँ पर हमें × 10⁻³ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 80 और 5 लिख सकते हैं यहाँ. तो ईएमएफ की वैल्यू हमें मिलेगी 3200 वोल्ट. सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्ट्स इज 3200 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. 2 कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 3 हेनरी एंड 5 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज अपोजिंग ईच अदर. वॉट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन हेनरी ऑफ द सर्किट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग गिवन बिटवीन द कॉइल्स इज 0.6. क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है कि 2 कॉइल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं एंड दे आर अपोजिंग ईच अदर. एक कॉइल का इंडक्टेंस है 3 हेनरी और दूसरे का इंडक्टेंस है 5 हेनरी. एंड अपोजिंग ईच अदर का क्या मीनिंग है कि एक डॉट यहाँ पर होगा कॉइल 1 के इनिशियल एंड पे और सेकेंड डॉट कॉइल 2 के फिनिशिंग एंड पे. तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस हम फाइंड करेंगे. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू के इंटू रूट ऑफ L1 इंटू L2. K की वैल्यू 0.6 और L1 इज 3 हेनरी, L2 इज 5 हेनरी. तो M की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी 2.323 हेनरी. और अब हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है. तो L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ M. माइनस इसलिए क्योंकि द कॉइल्स आर कनेक्टेड अपोजिंग टू ईच अदर. तो यहाँ पर L1, L2 और M की वैल्यूज को पुट करने के बाद L इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी 3.35 हेनरी. ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट विल हैपन टू द परमियंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्किट गेट्स डबल्ड. कहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डबल हो जाने की वजह से परमियंस पे क्या इफेक्ट होगा. तो मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस क्या होता है. परमियंस इज reciprocal of reluctance and reluctance is given by 1 upon mu into L divided by A, where L is length and A is area of cross section. तो यहाँ से permeance is equal to mu into A upon L, क्योंकि
permeance reluctance ka reciprocal hai. That means permeance is directly proportional to the area of cross section. Aur question mein pucha hai ki area ko humne double kar diya to permeance pe kya effect hoga. To yahan se hame relation mila ki permeance is directly proportional to area. Therefore area ko double karne se permeance bhi double ho jayega. Option B here is the correct answer. Next is question number 8. On which of the given factors does the reluctance of magnetic circuit depend? Given factors mein se magnetic circuit ke reluctance ki value kis par depend karti hai? Options hain length, area, nature of material and option D says all of the above. So as you know, reluctance is equal to 1 upon mu into length upon area, yani ki reluctance depends upon length, it depends upon area and it depends upon permeability or permeability depends upon the nature of material. Therefore, ye tino hi options yahan par correct hain. Isliye option D ko hum mark karenge, which says all the options are correct. Next is question number 9. A magnetic circuit mainly consists of material having permeability what? Pucha gaya hai ki magnetic circuit mein use hone wale material ka permeability kaisa hona chahiye. So, permeability high hona chahiye material ka. Therefore, option A here is the correct answer. Next is question number 10. What will happen to the magnetic flux density produced in a material if the magnetizing force is increased? Pucha gaya hai ki magnetizing force ko increase karne se magnetic flux density pe kya effect hoga? Magnetic flux density B is directly proportional to the magnetizing force or the magnetic field intensity H. That means ki magnetic force ki value ko badhane se magnetic flux density ki value bhi badhegi. That means option A here is the correct answer. The magnetic flux density will increase. Next is question number 11. A magnetic flux of 6 Weber turn sets up in the coil when a current of 3 ampere flows through it. What is the inductance in Henry of the coil? Magnetic flux given hai 6 Weber turn. This is given 6 Weber turn. That means N phi ki value given hai 6. N is the number of turns and phi is the magnetic flux. Or given hai the current flowing through the coil. This is 3 ampere. Now, hume yahan par inductance ki value ko find out karna hai, which is L is equal to N phi divided by current I. N phi ki value hume given hai 6 aur current ki value given hai 3. That means L is equal to 2 Henry. Option B here is the correct answer. Next is question number 12. Total core loss is referred to as which of the following? Core loss ko iron loss bhi bolte hain. Or magnetic loss bhi bolte hain and core loss is equal to sum of eddy current and hysteresis loss. So option C, magnetic loss is the correct answer. Core loss ko magnetic loss se bhi refer kiya jata hai. Next is question number 13. A coil having area of 300 cm square and 120 turns is removed from 60 Tesla magnetic field acting normally in 2 seconds, what is the magnitude of induced EMF in volts in the coil? Question mein given hai, coil ka area 300 cm square, coil ke number of turns 120 aur us coil ko ek magnetic field mein place kiya gaya hai, jahan par magnetic flux density B ki value hai 60 Tesla. Aur kaha gaya hai, कि 2 सेकंड के बाद कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव कर लिया गया है और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिए. नाउ एज वी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज इक्वल टू n d phi by dt और phi इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. तो यहां पर हम induced EMF ko is tarah se bhi likh sakte hain, E is equal to N dB by dt into area of cross section A. Ab yahan par N, B, A aur time ki values hume given hai. To yahan par in values ko put karke E ki value hume milegi 108 volt. Option A here is the correct answer. Next is question number 14. What will be the magnetic susceptibility of a material kept in free space if the field strength of the material is 0.4 into 10 raised to the power 7 ampere per meter and flux density of the material is 12 Tesla? Yahan par field strength
यानी कि H की वैल्यू गिवन है 0.4 × 10⁻⁷ एम्पेयर पर मीटर. H को हम एम्पेयर पर मीटर में कैलकुलेट करते हैं. और B यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 12 टेस्ला. और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. नाउ जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच. म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एंड म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी. तो यहाँ से म्यू नॉट म्यू आर की वैल्यू हो जाएगी b डिवाइडेड बाई एच, वेयर b इज 12 टेस्ला एंड एच इज 0.4 × 10⁻⁷. और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷. तो यहाँ से हम इजिली म्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो म्यू आर की वैल्यू हमें मिलेगी 2.387. और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमियबिलिटी के बीच में रिलेशन है दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमियबिलिटी माइनस 1. तो यहाँ से हम xm की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस विल बी 2.387 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.38. ऑप्शन सी में गिवन है 1.38, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पेयर इन अ कॉइल इफ इट हैज 60 नंबर ऑफ टर्न्स एंड प्रोड्यूसेस एमएमएफ ऑफ 30 एम्पेयर टर्न्स. गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल इक्वल टू 60. एमएमएफ प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 30 एम्पेयर टर्न एंड एमएमएफ जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. और ये गिवन है 30 एम्पेयर टर्न्स. और हमें यहाँ से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट इज I इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय N और N की वैल्यू गिवन है 60. देयरफॉर करंट विल बी इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 एम्पेयर. तो यहाँ ऑप्शन डी में गिवन है 0.5. देयरफॉर ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट विल बी द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 1200 एम्पेयर पर मीटर एंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज 0.084 एम्पेयर पर मीटर. यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है और गिवन है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि H की वैल्यू 1200 एम्पेयर पर मीटर गिवन है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि इसे आप I या M से डिनोट कर सकते हैं. I इज इक्वल टू 0.084 एम्पेयर पर मीटर. नाउ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the magnetic field strength H and this is given by I is equal to some constant into H और इस constant को कहते हैं susceptibility. तो यहाँ से हम easily susceptibility की value calculate कर सकते हैं. I की value हमें given है 0.084 और H की value given है 1200. तो जब आप इसे calculate करेंगे तो susceptibility की value हमें मिलेगी 0.7 × 10⁻⁴. therefore option B here is the correct answer. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक परमियबिलिटी इज विच ऑफ द फॉलोइंग. मैग्नेटिक परमियबिलिटी के लिए इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है. तो देखिए एज वी नो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H एंड B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, वेयर म्यू इज अ कॉन्स्टेंट एंड दिस इज मैग्नेटिक परमियबिलिटी. तो हम म्यू को B अपॉन एच लिख सकते हैं. दैट मीन्स ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक परमियबिलिटी. मैग्नेटिक परमियबिलिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रिलक्टिविटी. रिलक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक परमियबिलिटी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स डज नॉट हैव अ कॉन्स्टेंट रिलेटिव परमियबिलिटी. इनमें से कौन से मटीरियल्स का रिलेटिव परमियबिलिटी की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं होती है. ऑप्शंस हैं डायमैग्नेटिक मटीरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स या फिर ऑप्शन डी में कहा है फ्री स्पेस. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स. फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स का रिलेटिव परमियबिलिटी की वैल्यू
कभी कांस्टेंट नहीं होती है. सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर. एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज आयरन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का एसआई यूनिट बताना है, यानी कि आई, या इसे आप एम से डिनोट कर सकते हैं. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसे हम स्मॉल पीएम से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. और डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय करंट इनटू एरिया. दैट मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होगा एम्पेयर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का आपको यूनिट मिलेगा एम्पेयर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि मीटर क्यूब. सो द यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल बी एम्पेयर पर मीटर. सेम यूनिट्स होते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच के भी, और सेम यूनिट्स होते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के भी, एम्पेयर पर मीटर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर इज व्हाट. किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होती है? दिस इज जीरो. किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होती है. ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर विद लेंथ एल इज इक्वल टू 0.5 मीटर एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B equal to 4 Weber per meter square when the armature current is 5 ampere. इस क्वेश्चन में एक कंडक्टर की लेंथ गिवन है 0.5 मीटर और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ दैट फील्ड इज 4 Weber per meter square और करंट गिवन है 5 ampere. तो हमें फाइंड आउट करना है कि कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है. सो फोर्स ऑन कंडक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर. यहाँ पर हम बी आई एल की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी 10 न्यूटन. यहाँ ऑप्शन बी में गिवन है 10 न्यूटन्स, देयरफॉर ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मिली टेस्ला एट द सेंटर ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड इफ द सोलेनॉइड हैज 300 टर्न्स एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर. गिवन है एक सोलेनॉइड जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स 300 हैं, और उसमें से 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, और हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मिली टेस्ला. मिली टेस्ला यहाँ पर गिवन है, यानी कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है बी की वैल्यू. सो द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच. तो गिवन डेटा से हम यहाँ एच की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. एच इज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाय एल, वेयर आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड एल इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. तो यहाँ इन वैल्यूज को पुट करके एच की वैल्यू हमें मिलेगी 3000 एम्पेयर पर मीटर. और यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, और म्यू नॉट की वैल्यू है 4π × 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय 3000. और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 3.77 × 10⁻³ टेस्ला, यानी कि 3.77 मिली टेस्ला. तो यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें वैल्यू को मिली टेस्ला में कैलकुलेट करना है, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन डी 3.77 मिली टेस्ला. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. डिटरमिन द एडी करंट लॉस इन वॉट्स इन अ मटेरियल हैविंग एडी करंट कोएफिशिएंट ऑफ 1, थिकनेस ऑफ 0.03 मीटर एंड वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबिक मीटर which is kept in a magnetic field of maximum flux density 3 tesla and supplied by frequency of 50 hertz. Question में eddy current coefficient KE की value 1 given है, core का thickness given है 0.03 meter, core का volume given है 2 meter cube, और maximum flux density BM की value given है 3 tesla, और साथ में frequency भी given है, it is 50 hertz.
और हमें एडी करंट लॉस कैलकुलेट करना है. सो एडी करंट लॉस PE इज इक्वल टू एडी करंट कोएफिशिएंट KE एफ स्क्वायर BM स्क्वायर टी स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ द कोर. तो यहाँ पर ये सभी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, इन्हें आप यहाँ पुट करेंगे. KE इज इक्वल टू 1, फ्रीक्वेंसी इज 50 यानी कि 50 का स्क्वायर, BM इज 3 टेस्ला यानी कि 3 स्क्वायर, थिकनेस इज गिवन 0.03 मीटर का स्क्वायर एंड वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब. यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो PE की वैल्यू हमें मिलेगी 40.5 वॉट. यहाँ ऑप्शन डी में गिवन है 40.5, दैट मीन्स ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एम्पेयर पर मीटर ऑफ द मटेरियल व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज 0.084 एम्पेयर पर मीटर एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज गिवन 0.0012. यहाँ पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू गिवन है 0.084 एम्पेयर पर मीटर, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी गिवन है 0.0012 और हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि एच की वैल्यू. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड दिस इज गिवन बाय I इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इंटू एच. तो यहाँ से हम H की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि I और ससेप्टिबिलिटी दोनों की वैल्यूज क्वेश्चन में हमें गिवन है. दैट मीन्स H इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय ससेप्टिबिलिटी. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज 0.084 एंड ससेप्टिबिलिटी इज 0.0012. आफ्टर कैलकुलेटिंग H की वैल्यू हमें मिलती है 70 एम्पेयर पर मीटर. सो ऑप्शन ए में गिवन है 70 एम्पेयर पर मीटर, दैट मीन्स ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. डिटरमिन द फ्लक्स इन वेबर थ्रू अ कॉइल व्हेन द रिलक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 4 एम्पेयर टर्न्स पर वेबर एंड प्रोड्यूसेस एन MMF ऑफ 48 एम्पेयर टर्न्स. रिलक्टेंस की वैल्यू गिवन है 4 एम्पेयर टर्न पर वेबर, साथ ही MMF की वैल्यू गिवन है 48 एम्पेयर टर्न्स और हमें फ्लक्स फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो दिस इज वेरी सिंपल, MMF इज इक्वल टू फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय रिलक्टेंस. तो यहां से फ्लक्स की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेंगे. दिस इज MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस. MMF गिवन है 48 एम्पेयर टर्न्स और रिलक्टेंस गिवन है 4 एम्पेयर पर वेबर एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी हमें 12 वेबर. सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स द एडी करंट लॉस अकरिंग इन अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड. पूछा गया है कि एडी करंट लॉस इनमें से किन पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करता है. इट इज गिवन डज नॉट डिपेंड. तो देखिए ऑप्शन में गिवन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, ससेप्टिबिलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पर हमने एडी करंट लॉस की वैल्यू को कैलकुलेट किया था. एडी करंट लॉस इज इक्वल टू KE विच इज द एडी करंट कोएफिशिएंट इनटू BM स्क्वायर विच इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी. यानी कि एडी करंट लॉस डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे, देन फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर यानी कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी इनटू स्क्वायर ऑफ थिकनेस यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ कोर ऑल्सो एंड वॉल्यूम ऑफ द कोर ऑल्सो. तो यहां से आप देखिए कि एडी करंट लॉस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कंसिडर्ड एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. इनमें से किस मटेरियल को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में रख सकते हैं. ऑप्शंस हैं डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक एंड एंटी फेरी मैग्नेटिक. तो इनमें से डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. गिवन स्टेटमेंट्स में से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. देखिए दिस इज अ मैग्नेट और
ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो आउटसाइड द मैग्नेट मूव करती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल करती हैं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, एंड दे फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ। ये लाइंस ऑफ फोर्स आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर स्ट्रेच्ड लाइक इलास्टिक। अब यहाँ पर ऑप्शंस को आप रीड करिए। ऑप्शन ए में गिवन है दैट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। दिस इज रॉन्ग। आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल करती हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सेकेंड में गिवन है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इनसाइड द मैग्नेट। दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है। ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। ऑप्शन सी में गिवन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड ऑप्शन डी में गिवन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट कट ईच अदर। दिस इज करेक्ट। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कट नहीं करती हैं। देयरफॉर ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर बायोट सेवर्ट लॉ। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन बायोट सेवर्ट लॉ का करेक्ट एक्सप्रेशन है? सो अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उसमें से एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट IDL की वजह से किसी पॉइंट पी पे, जो कि डिस्टेंस आर पे प्लेस किया गया है, वो पॉइंट कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को एक्सपीरियंस करेगा, विच इज DB, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ IDL एंड साइन ऑफ एंगल थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस करंट एलिमेंट IDL एंड द लाइन ज्वाइनिंग दिस करंट एलिमेंट टू द पॉइंट पी। इन दोनों के बीच का ये एंगल है थीटा, एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दिस करंट एलिमेंट एंड दिस पॉइंट पी, यानी कि आर का स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन गिवन बाय बायोट सेवर्ट लॉ। और यहाँ पर ऑप्शन सी में गिवन है ये सेम एक्सप्रेशन, यानी कि ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहाँ तक ही करेंगे। 30 क्वेश्चंस हम पार्ट 1 में कवर अप कर चुके हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, और नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और हमारे वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।